गुरु अमरदास साहिब जी महाराज पावन पवित्र उपदेश बख्शिश कर रहे हैं। 851 अंग ते चौथा शब्द श्लोक प्रारंभ होया है। बिलावल की वार महला चौथा दा। इस वार दियां सब पौड़ियां चौथे पातशाह महाराज दियां हन। श्लोक जो हैं वह सारे मिलवे हैं। धन धन सतगुरु गुरु अमरदास साहिब जी महाराज। भले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तो ही बने आवे। सतगुरु महाराज फरमाउंदे हन पावन बचन, अंदर कपट सदा दुख है, मनमुख ध्यान न लागे। जिन्हां दे अंदर हमेशा ही सुभाव हुंदा है लोकां दे नाल कपट छल करन दा, धोखे करन दा, मन दे अंदर माड़े ख्यालात हुंदे हन, महाराज फरमाउंदे उहनां नूं सदा ही दुख ही दुख हुंदा हमेशा। पहली गल तो यह कि आपां नूं अंदरों किसे नाल कपट नहीं करना चाहिए, छल नहीं करना चाहिए। वाहिगुरु कपट तो बचावे, छल तो बचावे, क्योंकि आपां नूं यह पता है कि मैं इहदे नाल कपट कर रहा, छल कर रहा, यह बंदे नूं कोई पता ही नहीं। पर किसे नाल धोखा करन दा एक वड्डी चीज है, ध्यान ना लगे। जो ध्यान नहीं लगता वह मनमुख कपट करता है, चाहे किन्ने गुरसिख दिखे अपने आप च हो, पर वो मनमुख है, वह दुखी हो ही रहेगा। फिर दोष देना, असी हम अमृत भी छकिया, असी बाणी भी पढ़ते हैं, असी और भी करते हैं, गलतियां जिहड़ियां करते हैं वह किधर जानियां, हेरा फेरियां। परमात्मा नूं धोखा ना दिओ। करमी सतगुर भेटी है तां सच नाम लिव लागै। पूर्वलियां कर्मां अनुसार सतगुरां नूं मिलीए तां सच्चे नामी परमात्मा विच लिव बिरती फेर लगदी है। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नूं मिलीए, एक तो होंगे तुरे तुरे जाते सत श्रीकाल हो गए, लंघ गया बंदा, तुरे जाते फतेह बुलाती लंघ गया, कोई महापुरश मिले उन्होंने सिर झुकाता लंघ गए। एक होंगे कोल बैठ के घड़ी महाराज के मत्था टेके आ गए। एक होंगे गुरु ग्रंथ साहब की कथा लड़ी वार जो चल जिमें आप सुनते, यही हम आप कोल बैठे महाराज के, सारा कुछ छड़ के आप गुरु ग्रंथ साहब की संगत कर रहे, गुरबाणी की संगत हो रही आप। गुरु ग्रंथ साहिब साढ़े सतगुरु ने और जो असूल दस रहे ने इन्हां उत्ते चलण दा 100% यतन करना। ये नहीं कहना मैं कोशिश करदा, सो कोशिश नहीं करनी, आपां चलना है। सतगुरु महाराज अपने उत्ते सो मेहर भरिया हाथ रखण, आपां चलना है। तो महाराज जी आपां नूं पावन बचन फरमाउंदे हन इस प्रकार, नानक सहजे सुख होए, अंदरों भ्रम पाव भागै। सतगुरु कथन करते हैं तो सहजे सुभावक ही आत्म सुख की प्राप्ति होंदी है, तो बंदे दे अंदरों जिहड़ा भरम हुंदा है ते भौ डर हुंदा है, ये दो चीज़ां ही ज़्यादा ने ना, ये दो चीज़ां हनेरे करके ने, अज्ञान करके ने। सच की प्राप्ति लई सच ते ही तुरना पैंदा, ये तुच्छ जिहियां चीज़ां पिछे आपां जे वल छल करिए तां उह वाहिगुरु नूं पाउंदा नहीं है। वड्डे दियां वडियाइयां क्यों ने, क्यों वड्डा, वड्डा किस गल्लों है, क्योंकि वह वड्डे वाले कर्म करता है। जिहड़ा उच्चा उच्ची जात दा होके नीवें कम करे उहनूं लोक नीच कहिंदे ने, जिहड़ा नीवीं जात दा होके उच्चे कम करदा लोक कहिंदे महापुरख है उच्चा। तां अंदरों पंज प्रकार दा भरम सत्तरां दा डर दौड़ जांदा। महला तीजा, गुरमुख सदा हर रंग है, हर का नाम मन पाया। पहला मनमुख के लक्षण दसे ने, हुण आपां गुरमुखां दा लक्षण कथन करदे ने महाराज। भी देखो गुरमुख कौन हुंदा, आपां कह दिंदे आओ जी गुरमुख प्यारिओ की हाल है, गुरमुख हरेक नूं कह दिंदे आपां, फलाना बंदा तां बड़ा गुरमुख है। गुरमुख तां है, देखण नूं तां बड़ा गुरमुख है, पर लक्षण जिहड़े ने उह नहीं है गुरमुखां वाले, फिर उहनूं किद्दां कह दईए आपां कि गुरमुखा प्यारिआ आ वी इधर। तां सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह फरमाउंदे ने गुरमुखां नूं सदा ही हरी दा रंग हुंदा, प्रेम है, इसलिए उन्होंने मन में हरी का नाम जिहड़ा पाया चंगा लग्या। गुरमुख वेखण बोलना नाम जपत सुख पाया। 852 अंग ते फरमाउंदे हन भी गुरमुखां दा वेखना, गुरमुखां दा बोलना सारा ही सफल है। गुरमुख देखदे की ने ते बोलदे की ने, गुरमुख परमेशर नूं ही देखदे ने ते परमेशर दा ही जस बोलना करदे ने। गुरमुखा ने नाम जपदिया सदा ही नित सुख नूं प्राप्त किया है, अकाल पुरख की उन्हां उत्ते कृपा हो जाती है। नानक गुरमुख ज्ञान प्रगासिया, तिमर अज्ञान अंधेर चुकाया। हुण सतगुरु कथन करते ने गुरमुखा नूं ज्ञान का प्रकाश होया, सो जिस नाल फिर वो जिहड़ा तिमर हुंदा है
कुप गाढ़ा अग्ञान दा नेरा अग्ञान रूप तिमर अंधेर महा कुप हनेरा दूर हो गया अंदरों ज्ञान प्रकाश आया। महला तीजा मनमुख मैले मरह गवार। मनमुख बंदे जिहड़े पापां करके मैले ने इस करके वह जमदे मरदे रहिंदे ने। गुरमुख निर्मल हर राखिया और तार। गुरमुख जन निर्मल मैल तो रहत ने क्योंकि उन्होंने हिरदे विच कपट नहीं रखिया छल नहीं रखिया धोखा नहीं करते किसी नाल क्योंकि हरी नाम नूं उन्होंने हिरदे च वसाया। जदों हरी नाम हिरदे च वसाया है तो हरी वर्ग ही हो गए। हर जन ऐसा चाहिए है जैसा हर ही होए। भनत नानक सुनो जन भाई सतगुर सेव आहो हम मैं मालो जाई। महाराज कथन करते भाई जनो सुनो सतगुरां दी सेवा करो भाई तो हम मैं रूपी मैल लै जाएगी। अंदर संसा दुख व्यापे सिर धंदा नित मार। मनमुख दे अंदर दुखदाई संसा बनिया रहिंदा है हमेशा संसा ही व्यापिया रहिंदा उहनू। पर अंदर संसा होण करके दुख व्याप रहा क्योंकि वह हर रोज धंदियां विच ही अपना सिर मारदा धंदियां विच ही सिर खपाउंदा। जिन्ना धंदियां च सिर खपदा है फायदा उन्ना हुंदा नहीं। बड़ा सिर खपा के कोई कम किया अखीर घाटा पै गया फिर उची उची रोंदा। इन्ना सिर जे कि रब वाले पासे लाया हुंदा रब मिल जाता। जिहड़ा माया का पति है उही मिल जाना सी। जिथे पति उथे पत्नी माया ने आपे आ जाना सी। उथे आपां इहदे पिछे भजे फिरदे हैं ये परमात्मा ने चरणा च बैठी है। महाराज कहिंदे ने तुसीं माया दे मगर जिन्ना भजोगे इहने नहीं मिलना तुहानूं। दूजा पाए सूते कबहु ना जाग है माया मोह प्यार। जिन्हां दे अंदर माया दे मोह दा प्यार है वह दवैत भाव विच सुते हुए कदे जागदे नहीं हन। हाए माया द्वैश विच जागदे। हुण द्वैश पैदा हुंदी भी उहदे कोल जादे क्यों है उहदे कोल किवें खोवां मेरे कोल घट क्यों है जां तां उहनूं मार ही देवां कहिंदा। हुण मारन ते भी आ गया अगले नूं सौ तरह के वाल छल धोखे ठगियां फरेब करके कतल करके माया कट्ठी करता है। इहदे नाल तैनूं फायदा की है छड फेर जानी है सिर पाप लै जावना पाप नाल चले जाने ने। सिख जे गुरु का सिख है समझ आपां लोकां वर्गे नहीं बनना। जबला खालसा रहा न्यारा खालसे ने न्यारा रहना। इस तरह महाराज कहने द्वैश भाव करके विद्या की नींद विच सुते हुए कदे भी ज्ञान जागृत अवस्था विच इह जाग नहीं सकते क्योंकि उन्हां दा माया दे मोह विच ही प्यार बनिया होया। इस करके सतगुरु कहिंदे ने उह इस तरह के बने क्यों ने। मनमुख किहनू कहिंदे ने। मनमुख उह हुंदा है नाम ना चित है शब्द ना विचार है एहो मनमुख का विचार। हुण नाम नूं सिमरदे नहीं ते गुरु उपदेश नूं भी विचारदे नहीं इह मनमुखां दा विचार है। बस भई मनमुख इहनूं कहिंदे ना तां उह बहि के संगत च कदे वाहिगुरू वाहिगुरू करन उल्टा इह बोलदे रहिंदे है इह जी सारे वाहिगुरू वाहिगुरू करी जांदे है इह कोई कम है चलो तूं वाहिगुरू वाहिगुरू ना कर तूं शब्द की कथा सुन लै लो जी इह होर ही कुछ बोली जांदे है शब्द ना विचार है। चल तूं शब्द नहीं सुन कीर्तन सुन लै ਇਹ ਰਾਗੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈਗੇ ਨੁਕਸ ਕੱਢਦਾ ਰਾਗੀ ਚ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਪੁੱਜਣ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਤੂੰ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਆਦਮੀ ਤੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਥਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਇਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਮਨਮੁੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ ਤੂੰ ਹੀ ਸੁਣਾ ਦੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਦ ਦਿਮਾਗ ਮੋਟਾ ਦਿਮਾਗ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਹਾਂਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਜਗ ਕਮਲਾ ਫਿਰੈ ਗੁਰਮੁਖ ਨਦਰੀ ਆਇਆ ਧੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨੇ ਫਲ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਮਨ ਨਾ ਵਸਾਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਬਚਨ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਨਾਨਕ ਜਮ ਮਾਰ ਕਰੇ ਖੁਆਰ। ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜੋ ਜਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ ਇਹ। ਕਲਯੁਗ ਨੇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਂ ਸਭ ਪਾਸੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਯੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੰਤਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣੇ ਕਲਯੁਗ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਪਰ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਹੈ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਫੌਜ ਹੀ ਹੋਈ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਡਰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੋਕ ਹਰੀ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨਮੁਖਾਂ ਨੇ ਅਮੋਲਕ ਜਨਮ ਨੂੰ ਬੇਅਰਥ ਗਵਾ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ।
कथन करते महाराज कि अंत नूं जमदूत उन्होंने मार मार के ना ऐन बना देना उन्होंने मलीदा खराब करते चंगी तरह उन्होंने पौड़ी जिसनों हर भगत सच बख्शियन सो सच्चा साव। महाराज सच्चे पातशाह फरमाते देखो भगती किड्डी वड्डी चीज है, जिन्हों हरि ने सच्ची भगती करनी बख्शी है उही सच्चा शाहूकार है। अकाल पुरख की दरगाह का शाहूकार, शाहूकार भी इन्ना वड्डा जिवें भाई गढ़िया जी भाई दौले ने शंका कर लिया भी कथा